हेलो एवरीवन, दिस इज रासा और आज हम बात करेंगे वाटर हाइसिंथ के बारे में। अब वाटर हाइसिंथ क्या होता है? तो यह एक तरह का जलीय पौधा है या एक्वेटिक प्लांट होता है। एक्वेटिक प्लांट वह होते हैं जो पानी में प्रेजेंट होते हैं, या पानी में पाए जाने वाले पौधे को हम एक्वेटिक प्लांट या जलीय पौधा कहते हैं। जो वाटर हाइसिंथ होता है यह ठहरे जल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला एक खरपतवार या वीट्स होता है, जो जल से डिसॉल्व ऑक्सीजन को खींच लेता है। ये जल में डिसॉल्व ऑक्सीजन को खींच लेगा, जिससे मछलियों की मृत्यु हो जाती है या मछलियों की डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो मछली रहती हैं वो ऑक्सीजन का यूज करके अपने आप को सर्वाइव करती हैं, और ये वाटर हाइसिंथ ऑक्सीजन को ही खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो मछलियाँ रहती हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। और आइए जानते हैं कि इसको भारत में क्यों लाया गया था या इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस करने का क्या रीज़न है। तो सबसे पहला रीज़न है कि दे आर ब्यूटिफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव्स, इनके कारण इसको इंडिया में लाया गया था। और यह बहुत ही कम समय में इट कैन प्रोपागेट वेजिटेटिवली ऑफ शॉर्ट पीरियड टाइम, ये बहुत ही कम समय में पूरे तालाब में स्प्रेड हो जाते हैं या फैल जाते हैं, पूरे जलाशय में यह फैल जाते हैं बहुत ही अल्प समय में, और इनसे छुटकारा पाना बहुत कठिन होता है। जैसा कि आपको डायग्राम में देखा होगा कि ये बहुत ही कम समय में, देखो ये पूरे वाटर बॉडी को इन्होंने स्प्रेड कर लिया या पूरी वाटर बॉडी की सतह पर यह फैल गए, और इसमें आपको बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर दिख रहे होंगे, और इनकी पत्तियों के कारण और सुंदर पुष्प के कारण ही इसको इंडिया में लाया गया था। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इसको इंडिया में किसके द्वारा लाया गया था। तो यह वाटर हाइसिंथ भारत के लिए अंग्रेजों का एक गिफ्ट था या उपहार था, जिसको 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया था। क्यों? क्योंकि 18वीं शताब्दी के समय लेडी हेस्टिंग्स, जो पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल की पत्नी थी, और उनकी डिमांड पर इसको इंडिया में लाया गया था। क्यों? क्योंकि लेडी हेस्टिंग्स को इसके फ्लावर और इसकी लीव्स बहुत ही पसंद आई थी, और उसके कारण इसको भारत में लाया गया। तो पहले इसने बंगाल में तबाही मचाई, और इसके कारण इसको टेरर ऑफ बंगाल या बंगाल का आतंक कहते हैं, और अब धीरे धीरे अधिकांश वाटर बॉडी में यह फैलता गया, और इस तरह पूरे इंडिया में यह फैल गया। आई होप लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू।